नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज है अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे। कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा, इसीलिए हमने आज एक अर्थ डे स्पेशल बनाया है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट स्पेशल डे है। क्योंकि समर आ गए हैं, धूप का मौसम, समर का मौसम है, आपको खतरा है ओजोन से। जी हाँ, लोग पहले टाइटल सुन के रहे ओजोन लेयर तो अच्छी थी, ये क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, ये वो ओजोन नहीं है जो ओजोन लेयर में है, तो वही ओजोन, सेम ओजोन है जो ओजोन लेयर में ओजोन है, लेकिन ये ओजोन वो ओजोन है जो आपके पास है, जो आपके ग्राउंड लेवल पे है। ग्राउंड लेवल ओजोन बहुत ही हैवी खतरनाक होती है। और जी हाँ, ये ओजोन क्या है, ओजोन है क्या, ऑक्सीजन O2 होता है, O2 केमिकली ऑक्सीजन इज O2, उसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो O3 इज बेसिकली ओजोन। वो एक ऑक्सीजन से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी बेसिक्स चेंज हो जाती है, और उस ओजोन से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। अगर वो ओजोन ऊपर ओजोन लेयर में है, ओजोन लेयर में ओजोन हेल्प करता है अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट करने में, मदद ना पेनिट्रेट हो इसकी मदद करता है, तो आपका एनवायरमेंट, आपका गर्मी, आपका धूप से बचाता है। लेकिन अगर वो ओजोन यहाँ है नीचे ग्राउंड लेवल पे, जो कि है बहुत ज़्यादा है, तो वो ओजोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। वो ओजोन शरीर में अगर घुसती है, नाक में घुसती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। ओजोन लेयर, ओजोन गैस ग्राउंड पे होना बहुत तेज़ और होती है। कैसे होती है ये ओजोन, केमिकल रिएक्शन से बनती है, जो आपके ग्राउंड में बनते हैं, आपके कार से निकलने वाले पोल्यूशंस, आपके का उसके अलावा जो एयर पोल्यूशन जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उन सब को मिक्स करके, केमिकल्स जो पोल्यूशंस को मिक्स करके, उसमें केमिकल रिएक्शन होके ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है, जो कि स्मॉग, सुना होगा, स्मोक प्लस फॉग इज स्मॉग। स्मॉग का सबसे ज़्यादा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ड्राई इंग्रेडिएंट उसमें ओजोन होती है, और समर में ये सबसे ज़्यादा होती है। समर में स्मोग ज़्यादा होती है, इसलिए गर्म गर्म हवाएं आती है आपके रोड पे, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे हो, जब आप बहुत ज़्यादा गाड़ियों के बीच में हो, जब आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो, तब आपको सबसे ज़्यादा खतरा है। अगर आपके गलती से ये स्मोग, ये ओजोन, ये गैस आपके शरीर में घुसती है या आपकी आँखों में भी लगती है, तो आपको आँखों में क्लाउडीनेस यानी कैटरैक्ट होने का खतरा है, आपके इम्यून सिस्टम में गड़बड़ यानी आपके शरीर में जाता है। लिटरली ये स्मोकिंग या स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम करता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके स्किन में लगता है, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको शरीर में जाता है, इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, आपके नाक में से आपके लंग्स में चला गया, फेफड़े में चला गया, तो आपको खांसी आ सकती है, आपको इरिटेशन हो सकता है थ्रोट में, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां और ज्यादा होना या होगी, बीमारी तो बढ़ सकती है। अस्थमा वालों को अस्थमा अटैक आ सकता है, सीओपीडी वालों को, ब्रोंकाइटिस वालों को अटैक आ सकता है, टीबी वालों की हालत खराब हो सकती है। रेगुलर कॉन्टैक्ट अगर आपका स्मॉग से या ओजोन से होता है, तो परमानेंट डैमेज हो सकता है आपके लंग्स में, स्पेशली अगर एल्डरली है, उम्र बड़ी हुई है, बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है ऑलरेडी, तो ओजोन बहुत खतरनाक चीज़ है। ओजोन लेयर ऊपर के लिए तो बहुत अच्छी है ऊपर, लेकिन यहाँ हमारे पास में ओजोन लेयर बहुत खतरनाक है, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अल्टीमेटली वही आपके एयर पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल एमिशंस, जो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इन सब के जितने भी स्मोक्स निकलते हैं, ये सब जिम्मेदार है। और आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को ज्ञान बांट सकते हैं, एक दूसरे से बोल सकते हैं कि भाई साहब, जब भी आप ट्रैफिक में जाते हो, तो अपने मुंह पे, नाक पे कपड़ा बांध के जाओ, शरीर पूरा ढक के जाओ, ताकि धूप भी, स्मोक भी, फॉग भी, स्मॉग भी शरीर पे ना लगे, आंखों में हेलमेट या चश्मा पहनो, गॉगल पहनो, बच्चों को बचाओ और खुद भी बच्चे मत बनो, पर बच्चो, राइट, बिकॉज इसी तरह से आप बच पाओगे। और स्मॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको बचना है। एक आधी बार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस हैं, कई लोगों को स्किन में गड़बड़ी, स्किन में प्रॉब्लम्स ओजोन से इससे हो जाती है, सो आपको बचना पड़ेगा।
दिल्ली जैसे जगह पे जहाँ ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये ज़रूरी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से आप ध्यान में रखिए, बचिए। यही आज का संदेश था। और अगर आप मान लीजिए है आपको इस तरह का कोई एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आप इन सब इन्वायरमेंट से बचने के लिए जो भी रोड है, रोड साइड में जो ट्रैफिक है, उस पर कोई किसी प्रकार की जॉगिंग रनिंग ना करें, क्योंकि रोड पे जॉगिंग रनिंग से आप गहरी गहरी सांसें लेंगे और ज़्यादा ज़्यादा स्मोक अंदर लोगे, ज़्यादा ज़्यादा स्मोक। तो अगर रनिंग जॉगिंग करनी है तो आप जाके गार्डन में करें, किसी अच्छे जहाँ बहुत ग्रीनरी हो वहाँ जाके करें, और अच्छे इन्वायरमेंट करें, या इंडोर्स करें अपना, साइकिलिंग वाइकिलिंग करें, रोड पे नहीं, रोड पे ट्रैफिक के बीच में नहीं। और अगर ट्रैफिक में रहना ही है तो धीरे धीरे चलें और मास्क पहन लें, वो ज़्यादा बेहतर है, या एक गीला कपड़ा मुंह पे नाक पे रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटिल बिट अर्थ प्रोटेक्शन। भैया अर्थ क्या प्रोटेक्शन, आपका प्रोटेक्शन, आप बचोगे तो अर्थ बचेगा। और जहाँ तक दूसरी बात है अर्थ की, वो इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ की पॉपुलेशन जितनी स्पीड से बढ़ रही है, आगे चल के खाने पीने को मिलने नहीं वाला, तो इसीलिए पॉपुलेशन कम करो। और क्या बोल सकते हैं, ठीक है? ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, जितने मेरे सब्सक्राइबर है कम से कम वो लोग, ठीक है? एक बच्चा बहुत है, ज्यादा है तो दो, उससे ज्यादा कतई भी नहीं, गलती से भी नहीं, ठीक है? एक तो सफिशियंट होता है, उसी को सही तरीके से पाल पोस के बड़ा कर लो तो बहुत है, बाकी अगर ज्यादा है तो दो कर लो, बहुत ज्यादा प्रेशर है तो दो कर लो, उससे ज्यादा नहीं, कृपया, ठीक है? ये हुई बात। चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल और जवाब। जवाब और सवाल शुरू करने से पहले हम जरा खोल लेते हैं अपना सवालों का पिटारा। राहुल गुप्ता जी बोल रहे हैं, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल राहुल जी, की हाल चाल? दिल लीव्स रिड्यूसेस डायबिटीज, डज DIL लीव्स? DIL, व्हाट इज DIL लीव्स? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज DIL लीव्स। DIL लीव्स रिड्यूस डायबिटीज, DIL लीव्स कोई नई चीज है? आई हैव नो आइडिया की होता है DIL लीव्स, सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नो। सर मुझे साइनस की प्रॉब्लम है और नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, क्या टैबलेट से हो जाएगी या ऑपरेशन कराना पड़ेगा? टेढ़ी हड्डी टैबलेट से सीधी नहीं होगी, साइनस प्रॉब्लम टैबलेट से बैठ जरूर जाएगा, बार बार हो सकता है अगर टेढ़ी हड्डी है तो। मैंने बहुत बहुत बार समझाया है कि जब हड्डी टेढ़ी होती है तो एक नाक का छेद बड़ा एक छोटा होता है, जब भी आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है, बलगम गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होने से जो जगह छोटी है वो जल्दी बंद हो जाएगी, तो नाक जल्दी बंद हो जाएगा, नाक बंद होगा तो साथ में साइनस बंद होगा, साइनस में भरेगा तो साइनस पेन होगा, हेडेक होगा, बहुत सिंपल है, वो ठीक कराओगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ऑपरेशन करा लेने में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हो। उसके लिए आप ENT स्पेशलिस्ट, ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर को बताइए। और एक और बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, बाद में देख रहे हैं, लाइक का बटन जरूर दबाइए, ये नॉलेज थोड़ा सा फैलाइए, ओजोन के बारे में लोगों को बताइए, अर्थ डे है, लोगों को बोलिए कि भाई साहब बच्चे ज़्यादा पैदा मत करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर आई सीन वीडियो ऑन थायरॉक्सिन साइड इफेक्ट्स, दे क्लेम दैट दे आर बेटर आफ्टर स्टॉप टैबलेट, इज इट ट्रू? ये क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। थायरॉक्सिन इज अ हॉर्मोन, अगर आपके अंदर नहीं बन रहा तो आपको खाना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा खाओगे तो भी साइड इफेक्ट होगा, कम खाओगे तो भी साइड इफेक्ट होगा। सो बहुत सिंपल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थायराइड एंड हाउ वी डू इट। आज ही मेरी गोकी पे इस पे क्लास हुई है, आप चाहो तो वो जाके देखो, या मेरे इस चैनल पे भी बहुत जोरदार इसके ऊपर सेशन है थायराइड का, नीचे लिंक दिया होगा, आप थायराइड के पाँच चार तीन चार वीडियो है वो देख लोगे, आपको इतना अच्छे से समझ जाएगा, उनको दो जवाब दोगे आप जाके। ऐसे नहीं करते बोलना, वैसे करो। वॉट टू ईट इन पीरियड्स, सी इन पीरियड्स टेक्निकली वॉट यू नीड इज नो ब्लोटिंग, राइट? ऑलरेडी आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई और अगर यूट्रस को बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा दैट इज नॉट गुड फॉर यू, सो यू डोंट नीड ब्लोटिंग, यू डोंट नीड क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिपेशन। सो इन पीरियड्स यू शुड टेक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, पानी पानी खूब पीना है। ब्लोटिंग फ्लैटुलेंस वाला मेरा वीडियो देखना है, उसमें बताई गई छोटे छोटे टिप्स है कि चबा के ज़्यादा खाओ और फ्रूट्स फाइबर ज़्यादा चाहिए, राइट? दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर करिए कि आप उस दिनों में सलाद ज़्यादा खाएं, फाइबर ज़्यादा खाएं, दही इंक्लूड करें प्रोबायोटिक के लिए, ताकि वहाँ पर और ज़्यादा ब्लोटिंग ना हो। और अगर आपको ब्लोटिंग होती है तो स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स पे आ जाओ, एंटासिड ले सकते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बाकी ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। हाँ एक और चीज़ लेनी चाहिए, फॉलिक एसिड एंड आयरन, आयरन फॉलिक एसिड ले सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और आपको लग रहा है कि आपका शुगर, आपका आयरन कम है, आपका कलर पेल हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं।
अरे सर, टेल बोन प्रॉब्लम है। टेल बोन प्रॉब्लम क्या है? टेल बोन सब में होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चोट लगी है, गिर गए, अगर आप गिर गए या ज़्यादा देर बैठते हो उस सख्त 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 हार्ड सरफेस पे बैठते हो तो उसमें पेन हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पिंक लिप नेचुरली, पिंक लिप नेचुरली, योर लिप्स विल बी पिंक इफ़ यू टेक केयर ऑफ देम। इफ़ यू डोंट एक्सपोज इट टू स्मोक, इफ़ यू डोंट एक्सपोज इट टू स्ट्रेस, इफ़ यू गिव इट प्रॉपर वाटर, पानी, इफ़ यू गिव इट प्रॉपर केयर, उसको रेगुलरली आपको पानी देना है, ड्राई नहीं होने चाहिए, उसके अलावा उसके ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है, स्मोकिंग या वो चीज़ें जो खतरनाक वो चीज़ें, वैसी चीज़ें खाओगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है? नहीं खाओगे तो नहीं होगा, सिंपल है। तो पिंक लिप नेचुरली, पिंक कलर करना है ऊपर से, तो कोई भी फ्रूट लोगे, पिंक फ्रूट ऐसे ऐसे लगाओगे तो वो पिंक दिखने लग जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि वो पिंक हो गए, पिंक हो गए, ऐसा नहीं होता, बकवास है वो सब, ठीक है? हाँ, तो वो इंटरनली पिंक नहीं करता उसको, इंटरनली पिंक केयर करता है। हाँ, आप ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, चुकंदर लगा लो, स्ट्रॉबेरी लगा लो, उससे पिंक जरा सा वो लुक आएगा, बट वो डजन वो, तो लिपस्टिक लगा लो भैया, पिंक करना है तो। अंदर से जो पिंक करता है वो आपका प्रोटेक्शन करता है, ऐसे अंदर से स्किन प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है। ऊपर से लगाने वाली क्रीम तब काम आती है जब डैमेज हो चुका है, स्मोकिंग कर करके पिंक काले कर दोगे तो फिर आपको ऊपर से लगाने वाली क्रीम या ले सकते हो डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से, कि अब इसको नेचुरल कलर में कैसे लाऊं, वो अलग क्वेश्चन है। वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है? सर, इफेक्ट ऑफ ग्राइंड सीड, ग्राइंड सीड ऑन किडनी। आई टेक 3 सीड्स, दीज सीड इन मिल्क कर्ड एंड बटर मिल्क, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पम सीड, पम्पकिन सीड। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है भैया, ले सकते हो, ये सीड्स का कोई ख़राब इफेक्ट नहीं है किडनी पे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दीज आर गुड फॉर योर ओमेगा थ्री, दीज आर गुड फॉर अदर वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स, सो सीड्स आर गुड, नो प्रॉब्लम, ले सकते हो, नो इफेक्ट ऑन किडनी, नो प्रॉब्लम ऑन ऐसा कुछ इशूज़ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। सर, फेस पे पिम्पल की जगह तिल आ रहे हैं, आने दो, कोई बात नहीं, फेस केयर करो अमनदीप जी। पिंपल की जगह तिल नहीं आते, ब्लैक हेड्स हैं। देखो, आपने हमारा पिंपल वाला वीडियो नहीं देखा, वरना आपको पता होता कि पिंपल क्या है, ब्लैक हेड क्या है, वाइट हेड क्या है, सिस्ट क्या है, और वो कैसे बनते हैं। सारे एक के बाद एक स्टेज होते हैं पिंपल के। नीचे जाओ, एक्नी वाला वीडियो है, एक्नी बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो देखो, आपको सारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पीरियड टाइम की पे क्यों नहीं होता है हर मंथ? टाइम पे पीरियड नहीं होने का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपके अंदर सिस्ट हो सकता है, फॉलिकुलर सिस्ट, और प्रॉब्लम स्ट्रेस भी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है, शरीर में प्रोटीन ही नहीं है, खून ही नहीं है, तो शरीर सीधा सोचता है भैया मैं काहे पीरियड करूँगा। जी हाँ, जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा कम होता है, पीरियड आने खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जिनके अंदर खून की बहुत कमी है, उनका पीरियड आना बंद हो जाता है, क्योंकि शरीर बोलता है नो नो नो, यू आर नॉट फिट फॉर पीरियड। पीरियड मतलब इट्स बेसिकली लेइंग अ बेड फॉर द प्रोजेनी। आपका पीरियड आता है, हर महीने एक बेड बनाया जाता है आपके यूट्रस में, कि आप अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं तो बच्चा कंसीव होके उसमें जाके, बेड में आके बढ़िया से उसमें ग्रो करेगा, सोएगा, दैट इज़ वेयर इट इज़ एम्बेडेड, इट ग्रोज। सो योर यूट्रस प्रिपेयर, आपका यूट्रस उसके लिए बेड बनाता है, वो बेड हर महीने वो बेड बनता है और फिर वो शेड हो जाता है। वो बेड शेड होने में अच्छा खासा ब्लड लॉस होता है थोड़ा बहुत। सो अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रोटीन एफर्ट्स लॉस होते हो, अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है आपके अंदर, तो वो पीरियड ही आएगी। अगर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस है तो गड़बड़ोगे, अगर वहाँ पे बहुत बड़ा सूजन है तो उसको लगेगा भाई ये क्या है, तो यू नीड इवैल्यूएशन, यू नीड ब्लड टेस्ट, यू नीड अल्ट्रासाउंड, यू नीड अ गायनेकोलॉजिकल चेकअप, गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलो। ड्राई थ्रोट ड्यूरिंग रनिंग एंड जॉगिंग, वेरी नॉर्मल। पानी पी के जाओ, पहले पानी पियो, बीच बीच में सिप्स ऑफ वाटर पियो, दिस इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, स्पेशली हैपन्स इन समर, सो यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड। प्रॉब्लम इज यू आर नॉट प्री हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट वर्किंग आउट, आप हाइड्रेटेड स्टेप पे वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए नवीन जी मेरा वीडियो है फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल में, हाइड्रेशन का, प्री हाइड्रेशन का, वो जाके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट देन, सॉरी, मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम नहीं होता।
डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू यंग एज नॉर्मली इज द प्रॉब्लम इन यंग एज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ फ्लूइड व्हेन योर बॉडी एज सम इश्यूज लाइक कोई अगर मान लो नमक कम हो शरीर में या फिर नमक ज़्यादा हो शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो शरीर में किडनी प्रॉब्लम हो शरीर में सो यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न अगर डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर हाई है सो आगे टेस्ट करने पड़ेंगे आपको फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए वो चेकअप करेंगे आपको शरीर को देख के आपकी बनावट को देख के आपको टेस्ट देंगे ऑलराइट मल्टी विटामिन डेली लेने के साइड इफेक्ट्स देर आर नो साइड इफेक्ट्स एज सच बट देर आर नो बेनिफिट्स राइट डेली लेने का कोई बेनिफिट नहीं है अनलेस एंड अंटिल यू नो कि आपके अंदर कमी है तो आप लो कुछ दिन लो जब कमी खत्म मल्टी विटामिन खत्म जरूरत नहीं बाकी आप पैसे बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं साइड इफेक्ट इज लॉस ऑफ मनी दैट्स इट स्लीप एपनिया के बारे में कुछ बोलिए सर आई हैव अ डिटेल वीडियो ऑन दिस स्लीप एपनिया और स्नोरिंग बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए आपको वीडियो मिलेगा वो वीडियो आप देखिए उसमें समझ में आएगा स्लीप एपनिया जिनको नहीं पता वो ये है कि जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं जब वो सीधा लेटते हैं तो उनकी सब कुछ मोटा होता है सब कुछ तो गले की टंग भी मोटी होती है जबान इतनी मोटी है सीधा लेटते हैं तो जबान भारी पीछे गिरती है और गले को बंद करती है और फिर उनको खर्राटे भी ज़ोरदार आते हैं और वो गला बंद होते हुए सांस रोकने लगती है स्लीप एपनिया होता है सांस रुकते रुकते दिमाग को ऑक्सीजन कम जाता है फट से उठ के बैठ जाते हैं फट से फिर सो जाते हैं इस तरह टूट टूट के नींद आती है इसलिए रात को नींद सही नहीं आती दिन भर सोए रहते हैं कहीं भी आप आँख लगते झपकी लग जाती है उसे स्लीप एपनिया कहते हैं डेंजरस कंडीशन है क्योंकि आप गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो सकता है दिक्कत हो सकती है ठीक वीडियो है मेरा उस पर डिटेल इंग्लिश और हिंदी दोनों सत श्री अकाल नितिन जी सर मोस्टली फैट बेली पर ही क्यों जमा होता है फैट बेली पर ही जमा होता है मेल्स में फीमेल्स में बट पे जमा होता है थाइज और बट पे ये आपका प्रेफरेंस होता है बॉडी का प्रेफरेंस फीमेल्स का पहले थाइज और बट पे होता है उसके बाद बेली पे भी आ जाता है मेल्स में ज़्यादा बेली पे ही होता है ये जेनेटिकली डिटरमाइंड फिटनेस जैसे स्टोरेज स्पेसेस आपके पास ज़्यादा है तो आप बोलते हो मैं लिविंग रूम में क्यों नहीं सोता हूँ क्योंकि आपने बेडरूम वहाँ बना रखा है वैसे आपके शरीर ने स्टोरेज बना रखा है तो स्टोरेज में जाएगा ना इसलिए वहाँ ज़्यादा रहता है ठीक है ओके एज 31 आई हैव मेलास्मा डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट मी टू मेडिसिन टू अप्लाई ऑन द हिप हाइपर पिगमेंटेड It had gone in 30 days, but it come back. What should I do? I need re-permanent solution. What should I do? Try homeopath. Because you don't understand why melasma happened, Mr. Om Prakash. Melasma happened because of sun exposure, because of damage, because of hot environment, because of some irritation which is caused on the skin. So whatever you do is temporary unless you protect it, your skin. उसके लिए आप मेलेस्मा का मेरा वीडियो देखो आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन कि अगर आप मात्र प्रोटेक्शन भी करोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम योर मेलेस्मा विल बी गॉन वो क्रीम तो दूर की बात है प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट परमानेंट ट्रीटमेंट होम्योपैथी आयुर्वेदिक कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का या एलोपैथिक इन सब का कोई मतलब नहीं है प्रोटेक्शन के बगैर बात समझे PVC हार्ट बीट्स प्री मेच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस व्हाट आर दी आपका हार्ट नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है ढक 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 धड़क ढक धड़क कि क्या हुआ प्री मेच्योर पहले जो आना चाहिए था नॉर्मल आना चाहिए था ढक ढक उसका जो वेट था उसकी जगह धड़क फट से एकदम प्री मेच्योरली आ गया यानी जल्दी बीट आ गई उसको कहते हैं प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इस केस में जो बीट आ रही है नीचे वाले साइड से वेंट्रिकल से आ रही है इसलिए वेंट्रिकल्स बोलते हैं ऐसे ही प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं वो ECG में समझ में आता है एट्रियल है कि वेंट्रिकल है प्रॉब्लम बीच बीच में अगर कभी कभार आ गया या आते रह रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर प्री मेच्योर आ रहा है तो कई बार वो ढक ढक VTVF में भी जा सकता है वो अरिथमियाज डेवलप हो सकता है उस केस में फिर इंसान बेहोश हो सकता है जान जा सकती है एकदम हार्ट रुक सकता है सो एक आधी बार धड़क हो गया तो कोई दिक्कत नहीं ओके ऑल राइट राम राम साखरे साहिब कसा है तुम्हें दीपक चौधरी सर कैन यूट्रस रिमूवल हैम्पर एनी सेक्स लाइफ नो इट कैनॉट हाँ अगर यूट्रस के साथ आपका ओवरीज भी निकल गए हैं ओवरीज दोनों निकल गए हैं तो सेक्स ड्राइव कम हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी आपके फीमेल हार्मोन्स बनाने वाली चीज़ खत्म हो जाएगी सो यू विल नीड अ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और अगर एक को ओवरीज रह गई है तो काम चल जाएगा बात समझे इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स सेक्स लाइफ
काइल यूरिया क्यूरेबल और नॉट 30 ईयर ओल्ड? काइल यूरिया मीन्स आपकी पेशाब में बाइल यानी काइल आ रहा है, तो उसके लिए आपको गायनेको डर्मेट गैस्ट्रोएंटर सॉरी कई बार ऐसे निकल जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, फिर वही बात बोल रहा हूँ, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। दे विल फाइंड आउट द बेसिक रीजन ऑफ इट एंड देन ट्रीट यू। क्यूरेबल है कि नहीं डिपेंड्स अपॉन वेदर यू फाइंड द कॉज और नॉट। राइट, आई हैव सीन देर आर टू थ्री पेड कंसल्टेशन, पेड पे भी आता हूँ, और देते रहिए, जिस जिसको पेड सवाल देना है वो ज़रूर ज़रूर होगा, बाकी तो लाइन से चल ही रहा है। रोज़ वर्कआउट के बाद 101 तक फीवर हो जाता है। वर्कआउट छोड़ो, टेस्ट कराओ, वर्कआउट छोड़ो, टेस्ट कराओ, आपको या तो बीमारी है या आप पानी नहीं पीते, डिहाइड्रेटेड हो आप, कतई डिहाइड्रेटेड हो, या आपको बीमारी है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से शरीर बुखार ले लेता है। बोन मैरो एडिमा इन पर्टिकुलरली बोन मैरो एडिमा इन पेरी आर्टिकुलर टीबिया एंड फीमुरा फीमर के बारे में कुछ बताएं। बोन मैरो एडिमा नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हेलो, हाँ बेटा, नहीं देना है, नहीं देना है, वो मैं देख लूँगा उसको, अभी कुछ नहीं देना उनको, ठीक है। देखो, बोन मैरो आपकी हड्डी के अंदर जो होता है, जैसे आप अगर नॉनवेज खाते हो उसके अंदर हड्डी के अंदर जो मसाला होता है उसको कहते हैं। बोन मैरो में एडिमा होना मतलब बोन मैरो में इन्फेक्शन, बोन में एडिमा हो सकता है, पेरी आर्टिकुलर एडिमा हो सकता है, बोन मैरो में इन्फेक्शन या बोन मैरो डिफिशेंसी हो सकती है, बोन मैरो में इन्फेक्शन नॉर्मली नहीं होता। बोन मैरो और पेरी आर्टिकुलर एडिमा समझ में आता है, पेरी आर्टिकुलर मतलब जॉइंट के आसपास, जॉइंट के आसपास सूजन है, दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम कि जॉइंट मूव नहीं हो पा रहा, जॉइंट में सूजन है, दर्द हो रहा है, वहाँ पर इन्फेक्शन से लालपना आ सकता है, कभी कभी जॉइंट डैमेज हो सकता है, उसका फिर कारण इन्फ्लामेशन से उसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से, कई बार स्टीरॉइड से, कई बार एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक से ठीक करना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिशंस। एक सवाल है कि मेरे 2 साल पहले नस तन गई थी गले की, और उसे आज तक जगह जगह नस में दर्द होता है और घबराहट होती है, और बैक में नस एकदम गर्म लगती है और गले की नस सूजी लगती है। भाई कितना लंबा लिखे जा रहे हो भैया, इसलिए होते हैं, आपकी बात खत्म नहीं हुई, आपका मैसेज खत्म हो गया। योगेश जी शॉर्ट में लिखिए, नस का प्रॉब्लम लग रहा है आपको, न्यूरोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जैसे टेस्ट करा सकते हो, B12 जैसे टेस्ट करा सकते हो, विटामिन B12 खाना शुरू करिए। अगर वेजिटेरियन है तो आपका प्रॉब्लम B12 डेफिशिएंसी है, अगर नहीं तो फिर नॉनवेज खाते हैं तो भी B12 चेक कराइए, फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। नस तन जाने का नंबर वन कारण है डिहाइड्रेशन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, उसको पहले ठीक करो। कैन यू मेक अ वीडियो ऑन स्पिरुलिना, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सुपर फूड? कौन बोला बे, सॉरी कौन बोला, क्या ये मतलब, किसी को भी बेस्ट सुपर फूड बना के बेचो, तुम खरीदो, अरे तुम्हारे पास बेस्ट सुपर फूड है, तुम्हारा अपना खुद के आसपास ये जो है सिंपल दाल, आपकी दूध, आपके पीनट्स, आपके काले चने, ये सब बहुत अच्छे हैं यार, क्यों तुमको इधर जाना पड़ता है, पता नहीं, स्पिरुलिना बेस्ट सुपर फूड। चलो एनीवेज, वी विल मेक अ वीडियो ऑफ इट सम टाइम। नहीं भाई साहब, कोई भी ऑयल बियर्ड ग्रोथ नहीं कर सकता, अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, बायोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, कोई भी ऑयल। थैंक यू यशपाल जी, रनिंग पे वीडियो मेरा ऑलरेडी है, रनिंग बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए, आपको मिलेगा। रनिंग कैसे करनी है वो हर एक का अलग टेक्नोलॉजी है, आप चाह के भी वो इतना नहीं बदल सकते, आपके फुट प्लेसमेंट, आपके हील प्लेसमेंट, आपका एंगल, वो सब फिजियोथेरेपिस्ट से जाके आप चेक करवा सकते हो, कहीं मेरा एंगल टेढ़ा तो नहीं है, कहीं मेरा फुट प्लेसमेंट टेढ़ा, कहीं मेरे पाम की जो आर्च है वो गड़बड़ तो नहीं है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ थी लुकिंग इन टू थिंग्स। एनी वेज, बी नेगेटिव जी को थैंक यू, उन्होंने डोनेशन दिया है 20 रुपीज़, गणेश प्रसाद जी ने 40 रुपीज़ डोनेट किया है, और सवाल पूछा है रिलेटेड टू हेयर फॉल एंड ग्रे हेयर रेमेडी प्लीज। सी, हेयर फॉल नीड्स मोर एंड मोर प्रोटीन्स, ग्रे हेयर मीन्स कि वहां पर सर के अंदर जो हेयर बन रहे हैं उसके अंदर में जो मेलेनिन आना चाहिए वो नहीं आ रहा, सो वहां पर मेलेनोसाइट्स या तो डैमेज हो रहे हैं, या तो आपके सर के अंदर फंगल इन्फेक्शन, कोई सीबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ, इरिटेशन, डैमेज, ऑयल कम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके चलते वहाँ की स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्काल्प, रेगुलर हेड मसाजेस कराइए, ऑयल मसाजेस करिए, वॉश करने का तरीका सिंपल वाले शैम्पू से वॉश करिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिपेयर वाली नाम से दूर रहिए, इंटेंस रिपेयर वाले कोई शैम्पू नहीं यूज़ करना, सिंपल प्रोटीन बेस्ड शैम्पू यूज़ करिए, सर पे चाहो तो प्रोटीन अंडा
वंडा लगा के कर सकते हो, वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है बट कर सकते हो, दही वही लगा सकते हो, हाइड्रेट रहेगी स्किन, मतलब दैट नीड्स एग्जामिनेशन कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो फॉर द वाइट हेयर्स। ये हुई बात इन सब चीज़ों की दोस्तों, अब लाइव चैट पे जा रहा हूँ, कोई अर्थ के बारे में कुछ सवाल है तो पूछो, अर्थ यानी सॉरी ओजोन के बारे में, गर्मी के बारे में, अर्थ के बारे में कोई सवाल है किसी के पास? यू आर नॉट टेकिंग माई क्वेश्चन अभिनव जी, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। हाउ कैन वी यूज ओ भिन यो हिम बिन फॉर वेट लॉस? वाई डू यू वॉन्ट एन इन्ग्रीडियंट टू यूज फॉर यू वेट लॉस? वाई कांट यू जस्ट वी लूज वेट बाई रिड्यूसिंग योर कार्बोहाइड्रेट्स, बाई रिड्यूसिंग योर डाइट? वाई डू यू वॉन्ट अ मेडिसिन फॉर वेट लॉस? दिस इज अ रॉन्ग एंड हार्मफुल एंड डैमेजिंग टेक्निक, वो तरीका ही गलत है भैया। ओजोन होल कैसे रिपेयर करा करे? ओजोन होल रिपेयर करने का काम आपका हमारा है ही नहीं, वो ऊपर जैसे जैसे आप और हम, वैसे तो रिपेयर करने का तरीका यही है कि आप मिनिमम जितने ये यूज़ कर रहे हैं एयर कंडीशनर्स, गाड़ियाँ, वो मिनिमम यूज़ करें, जितने रॉकेट फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं वो मिनिमम यूज़ हों तो ही होगा भैया। अब वो होने होने से रहा, दुनिया भर को आगे बढ़ना है, एक देश को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तो क्या हो क्या ही होगा, वो भगवान ही जाने आगे क्या होगा दुनिया का। कार्बन मोनोऑक्साइड के साइड इफेक्ट्स ऑन बॉडी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ पॉइजनस, इज़ अ पॉइजन भैया, मर जाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड के आसपास चले गए तो ज़्यादा देर तक, ठीक है। उसके बाद सर आई हैव IBS, प्लीज़ हेल्प, शुड आई गो फॉर मोर फाइंडिंग्स? मोर फाइंडिंग्स IBS में मेरा फुल डिटेल वीडियो है, IBS बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करो। ब्लैक लाइन ऑन थम, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट दैट मोस्टली मीन्स दैट यू हैव सम मेटल्स इन योर सिस्टम, योर हैवी मेटल्स इन योर सिस्टम। माइग्रेन का सोल्यूशन बता दो सर, माइग्रेन का सोल्यूशन के लिए फुल डिटेल वीडियो है, माइग्रेन बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो तो देखिए, लिखो माइग्रेन बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे। दुआ करें कि हमारा भी चैनल कामयाब हो जाए। दिल्ली किचन, अस्मा जी का चैनल एक बार देख लीजिए, किचन के कुछ खाना वाना खिलाइए दिल्ली वाला, हम टेस्ट करके बताएंगे जस्ट किडिंग। ऑलराइट, फेयर स्किन, हाउ मच टाइम इनफ फॉर विटामिन डी फ्रॉम सन? में हफ्ते में 3 बार 10 मिनट के लिए धूप में जाइए, सुबह सुबह की धूप या शाम शाम की धूप, हफ्ते में 3 बार 10 मिनट के लिए काफ़ी है। फिनास्ट्राइड, हाउ मैनी ओमेगा सिक्स शुड नॉट बी यूज मोर देन वॉट यू आर ऑलरेडी यूजिंग? ओमेगा सिक्स और ओमेगा थ्री के हिसाब से होना चाहिए, आप ओमेगा थ्री खा रहे हो तो ओमेगा सिक्स यूज़ करना वरना छोड़ दो। इज़ ग्राउंड वाटर सेफ फॉर स्किन? नॉर्मली इट इज़, बट देन आज के डेट में ग्राउंड पे इतने मेटल्स हैं, इतने टॉक्सिन्स हैं, इतने केमिकल्स हैं, इतने पेस्टिसाइड्स हैं, इतने ये है कि देर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ इवन वाटर। सो आइडियली जो वाटर आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्योरीफाई होके आता है, वो लें ज़्यादा बेहतर है। अपने टैंक को रेगुलरली ऑब्जर्व करें ज़्यादा बेहतर है, उसमें एक एक दो बारी अगर जो वो जो होता है ना प्यूरीफायर टाइप चीज़ कुछ लगा लें तो भी बेहतर है। सो इट्स नॉट अ बैड इश्यू, बट देन हर जगह का अलग है, कई जगह एक्चुअल ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी में ऑयल मिला हुआ है, कहीं कहीं तो पानी में आग लगाओ तो आग लग जाती है। तो यस, यू हैव टू सी कि आपके एरिया में क्या हाल है, हर एरिया का अलग हिसाब है। जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली के पास में साहिबाबाद है, वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, साहिबाबाद का जहाँ है वहाँ हम रह रहे हैं इंदिरापुरम में ठीक ठाक है पानी, तो आपके एरिया में देखना पड़ेगा आपको। ऑल राइट, IgE लेवल 985 इज़ अ हाई, लिटिल हाई, बट उसके लिए आप एंटी ऑक्सीडेंट्स लीजिए। एलर्जी वाला मेरा वीडियो देखो, उसमें समझ में आएगा। LVH कैन नॉट बी रिवर्स्ड कम्प्लीटली, आपको उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। कीप योर ब्लड प्रेशर ऑन द लोअर साइड, लोअर साइड में ब्लड प्रेशर रहेगा तो वो बढ़ेगा नहीं, आपको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से मरोगे नहीं, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। LVH इज़ अ डेंजरस डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। राइट, ओके, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स जो आप बता रहे हो उन पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप प्लीज़ उस पर वीडियोज़ देखिए। सबसे रिक्वेस्ट है, हर एक टॉपिक पे वीडियो है, आप सिर्फ टाइप करो टॉपिक बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड द वीडियो, और उसके बाद सवाल पूछिए ताकि हमें भी मज़ा आए बताने के लिए, ठीक है।
और टेस्टों पे वीडियोस आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। एक एक टेस्ट को पकड़ पकड़ के धोएंगे, एक एक टेस्ट को पकड़ पकड़ के आपको बताएंगे। बाकी देखते रहिए वीडियो, शेयर करते रहिए, दुनिया को बचाइए, अर्थ को बचाइए, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।